हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका। बोल। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज बाहर का मौसम, ओस देखो आप पूरे नीचे आ चुकी है और ठंड भी काफी बढ़ने लगती है। अभी सुबह का टाइम है और मेरे पास इतने सारे बर्तन धोने के लिए, और पानी देखो कितना मर मर के आ रहा है, और इसमें थोड़ा गर्म पानी है जिससे मेरे हाथ ठंडे ना पड़े। और यहाँ पे ये मेरी बहन लगा रही है झाड़ू, और मैंने यहाँ पे अपने सारे बर्तनों को धो दिया है जितने बर्तन धोने के लिए थे। और मेरी बहन सारी जगह झाड़ू लगाने के बाद अब पहुँच चुकी है छत में, और इसका काम है पूरा सफाई करने का। और अब ये छत में कर रही है सफाई। यहाँ पे मेरी भाभी ने घास सुखा के घास रखा हुआ है, और मुझे अभी ये पायदान वगैरह धोना है। इस बाल्टी में जो कपड़े हैं वो भी धोने हैं अभी, देखती हूँ कितना टाइम होता है। और मैंने यहाँ पे ये कपड़े सुखा दिए हैं छत पे जो कपड़े थे, और यहाँ पे ये दोनों पायदान वगैरह भी धो दिए हैं और इनको भी सुखाने के लिए रख लिया है मैंने। और धूप लगने के बाद हमारी गाय भी आ चुकी है बाहर पर थोड़ा धूप सेकने के लिए, क्योंकि इसको भी ठंड हो रही होगी। और सूर्यदेव भी निकल चुके हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं क्योंकि चमक रहे। तो दोस्तों यहाँ देखो मैंने गोबर वगैरह साफ कर लिया है यहाँ का, पर यहाँ पे मैंने इकट्ठा किया है तो इसको मेरी भाभी उठा लेगी क्योंकि मेरे को अभी हो रही है देर। और बाहर पे हमारी गाय है, और यहाँ देखो लोगों ने अपने खेतों में पूरी खुदाई उदाई कर ली है, जो कूड़ा वगैरह बो रखा था वो सारा निकाल दिया है। तो यहाँ पे ये उसका न्यार बोलते हैं इसको, वो न्यार यहाँ पे सुखाने के लिए रखा है मेरी भाभी लोगों ने, मम्मी लोगों ने। और यहाँ देखो लोगों के गेहूँ भी होने वाले हैं, पता नहीं हमारे कब होंगे। यहाँ पर हमारी गाय पी रही है पानी, और यहाँ अंदर सूखेगा फिर मैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार का है आज का मौसम, और खेतों में देखो गेहूँ जमने लग गए हैं पूरे, लोगों ने खेतों में गेहूँ जमा लिए हैं। और रोज की तरह ये कुत्ता यहाँ पे खड़ा हो रखा है, मेरे सर पे ये तार आ गया था जो यहाँ पे ये हिल रहा है, मुझे लगा मेरे पे करंट आ गया। और धूप एकदम पूरी आ चुकी है और मेरे को आज हो गई है लेट। चलते हैं फिर मिलते हैं आपको वहीं दुकान पे। तो दोस्तों यहाँ देखो गेहूँ की इतनी इतनी छोटी छोटी जो होती है ना, अंकुरित हो रहे हैं अब बहुत इसी, हाँ यही वो अंकुरित हो रहे हैं। और इस बार सब लोगों ने मतलब कुदाल से ही किया क्योंकि बैल वगैरह मिले नहीं। और आज आ रही है मेरे साथ मेरी बहन दुकान पे, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ तो आज मैंने स्कूल गया। यहाँ देखो लोगों ने खेतों में गोबर डालना भी शुरू कर दिया है, और हमने कुछ भी नहीं किया अभी। तो दोस्तों मेरी रोज की समस्या है, मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही है, और मेरा चेहरा थोड़ा अजीब अजीब लग रहा होगा, पता नहीं क्यों मेरे पूरे चेहरे पे दाने वगैरह हो गए एकदम बारीकी से, देखो तो पतले पतले दाने हो गए हैं। और यहाँ देखो गाड़ी तो मेरे को मिलने से रही क्योंकि मेरे को कभी मिलती नहीं है, जब मैं ऊपर जाती हूँ तो नीचे की गाड़ी मिलती है, तो जो नीचे जाती हूँ तो ऊपर की गाड़ी मिलती है, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ पता नहीं क्यों। और धूप देखो इतनी ज़्यादा निकल चुकी है अभी, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अभी दुकान पे, और मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दिया है, और अभी बैठी हूँ मैं यहाँ पे। क्या करें अभी कोई आया नहीं, तो यहाँ देखो मैंने बालों को ढीला कर दिया क्योंकि टाइट हो रहे थे ना, तो सर मेरा दुख रहा है क्योंकि आज मेरा हो रहा सर में बहुत ज़्यादा दर्द, इसीलिए मैंने ऐसे बाल कर दिए हैं। और अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है मेरे को। फिलहाल मैं अपने लिए एक ये लाई थी लिमका, अब इसको पीते हैं फिर देखते हैं, मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मंगाई थी चाउमीन, उसके साथ ये लिमके की बॉटल, पर मेरा मन नहीं कर रहा इसलिए मैं खा नहीं रही हूँ इसको, इतना खाया मैंने और इतना वेस्ट हो गया। और साथ ही साथ एक चॉकलेट मंगाई थी मैंने, ये तो मैंने कर दिया पूरे फिनिश। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैठ के लगा लिया अपने हाथों में मेहंदी,
ये देखो कुछ इस प्रकार की लग रही है आज मेरी मेहंदी। मैंने सोचा खाली बैठ के क्या ही करें और मैंने लगा दी है अपने हाथों में ये वाला डिज़ाइन, क्योंकि मेरे को ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अपने दोस्त के हाथ पे भी मेहंदी लगा ली है और इसके हाथ में। तो दोस्तों मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को यही बैंड। आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपके एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।